नमस्कार दोस्तों, मैं वैष्णवी स्वागत करती हूं आप सभी का फास्ट इंडिया न्यूज वन में। आइए देखते हैं आज की कुछ मुख्य खबरें। टीकमगढ़ जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में लगी आग। SDM सौरभ मिश्रा SDOP ने दिए जांच के आदेश। मौके पर पहुंची थाना देहात पुलिस। सुबह 4 बजे और 5 बजे के बीच अचानक आग लगी। आग लगने की जानकारी पाते ही वहां पर चौकीदार ने आग बुझाने की कोशिश की। प्रशासन को अवगत कराया कि जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में आग लग गई, जिस कारण अधिकांश दस्तावेज जलकर नष्ट हो गए। कुछ दिन पूर्व खरगापुर विधायक राहुल सिंह ने जिला चिकित्सालय में हो रही अनियमितताओं की मुख्यमंत्री से शिकायत कर जांच। जो दस्तावेज जल चुके हैं, क्या कारण है, क्या लगता है, जो जांच में आया सामने, जैसे जानकारी मिली मुझे 4 से 5 के बीच में शायद आग लगी है। और CMHO कार्यालय के बगल में ही हमारा कुछ EVM भी रखे हैं, जिसमें 24 आवर हमारा फोर्स रहता है। सबसे पहले उन्हीं को पता चला और उनने आग बुझाने की कोशिश की थी, और यहाँ पर उनका गार्ड भी है तो उसने भी आग बुझाई। और शॉर्ट सर्किट प्रथम दृष्टया कारण बताया गया है। फिसल की टीम आई थी यहाँ पर और उनने पूरा चेक किया, डॉक्यूमेंट्स भी लिए हैं पुलिस ने और DVR वगैरह जो वो भी लिया है। तो पुलिस जांच करेगी, जांच का विषय है और जैसे ही पता चलता है आप लोगों के सामने भी आएगा। सर अभी वो मनोज देवलिया जो सांसद प्रतिनिधि है स्वास्थ्य विभाग के, उन्होंने आरोप लगाया कि जानबूझ के यहाँ पर आ गई। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसे ही कुछ खास और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए फास्ट इंडिया न्यूज़ 1।